हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एसएसटी का एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट लेकर के चलने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको किया है कंप्लीट। हमारी एक पर्टिकुलर यह जो प्ले चैप्टर हमने पढ़ा है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आज आप हमारे साथ बिल्कुल नए जुड़ रहे हो तो आप हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके उस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। और बच्चों, आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज से हमारी शुरू होने वाली है ज्योग्राफी की जर्नी। क्या शुरू होने वाली है? ज्योग्राफी की जर्नी हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज से हम अपना ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। और हमारा ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, वह है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या है प्यारे बच्चों? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक, आज इस वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और आज इस चैप्टर की इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो में मैं आपको केवल और केवल इस चैप्टर से कनेक्ट कराऊंगा। इस चैप्टर में है क्या चीज़, उस चैप्टर के कुछ बेसिक थीम है जो उनसे मैं आपको आज कनेक्ट कराऊंगा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर के अंदर के मेन टॉपिक्स हैं, जो क्लासिफिकेशंस हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए अपना इस पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने किया है और करते आ रहे हैं। ठीक, तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब ये रिसोर्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। आई होप आप में से सभी बच्चे रिसोर्स टर्म से, रिसोर्स वर्ड से बहुत ही फैमिलियर होंगे। आपको सभी को पता होगा रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट यानी विकास, विकास क्या है, यह भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, ठीक है, यह सबके सब आपके क्या हैं, रिसोर्सेस हैं। सबके सब क्या है प्यारे बच्चों आपके, ये सबके सब चीज़ें हैं आपकी रिसोर्सेस, ठीक है। और इन्हीं रिसोर्सेस का यूज़ करके जब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपना डेवलपमेंट में लगाता है, ठीक है, उन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेस से हम क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग अपना डेवलपमेंट करता है, ठीक। तो रिसोर्सेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में सारे के सारे रिसोर्सेस हमें अवेलेबल होते हैं। उन रिसोर्सेस से हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि अगर रिसोर्स होंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, और रिसोर्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट की लड़ाई में, डेवलपमेंट की दौड़ में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो यही आज हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली रिसोर्स है क्या, और कैसे रिसोर्स से हम अपना डेवलपमेंट करते हैं या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए, और चैप्टर को कनेक्ट कैसे, मतलब चैप्टर को हमें कनेक्ट करना है ना, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम चैप्टर को क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। हमारा यह जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले समझना होगा कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्स क्या होते हैं, इसकी मैंने एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। क्या बता रहा है हमारा ये पर्टिकुलर डेफिनेशन? ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें बताती है कि किसी भी रिसोर्स को हम रिसोर्स तब बोलेंगे जब वो हमारी सभी की सभी नीड्स को सेटिस्फाई करें, और उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल भी हो, इकोनॉमिकल फिजिबल भी हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तभी हम किसी रिसोर्स को रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। सर, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम सबके सब तरीकों से आपको बताते हैं। पहले बच्चों समझिए क्या लिखा है हमारा, पहले आधे इसको समझते हैं। क्या लिखा है? एवरी थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है। पहले इतने को समझते हैं।
कि आपके सारे रिसोर्स कहाँ मौजूद हैं, आपके सारे के सारे रिसोर्स मौजूद हैं आपके इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में मौजूद वो सारी चीज़ें, ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में मौजूद अवेलेबल वो सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। क्या बताया बच्चों मैंने, कि आपके इन्वायरमेंट में, आपकी पर्यावरण में, ठीक है, जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उन रिसोर्सेस से, ठीक है, उन रिसोर्सेस वह सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके हम अपने वांट को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, वह सब की सब क्या कहलाती हैं, रिसोर्स कहलाती हैं। हाँ सर, ये बात तो अब थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि जिनसे हम अपनी चीज, हमारी नीड सेटिस्फाई होती है वो हमारे लिए रिसोर्स हैं, ठीक। जैसे लैंड हमें रहने के लिए चाहिए, ठीक है, खेती करने के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज़ के लिए चाहिए और बहुत चीज़ों के लिए चाहिए होती है। तो ये लैंड क्या है, हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये अधूरी है। अभी ये कहानी जो अभी हमने पढ़ी है ये अभी अधूरी है, इसकी को हम पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे, मेरे एक क्वेश्चन से ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो कि अभी हमने आधी चीज़ें पढ़ी हैं। तो प्यारे बच्चों, यह बताइए कि अगर वह रिसोर्स अवेलेबल ही ना हो, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही ना हो कि उस रिसोर्स को आप क्या कर सको, एक्सट्रैक्ट कर सको, ठीक है, आपके पास वह अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें जो हमें क्या है, जिनका इस्तेमाल हम अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। अब यहाँ मान लो कि वो चीज़ इन्वायरमेंट में तो है, ठीक है, वह चीज़ इन्वायरमेंट में तो है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वह चीज़ यानी वह रिसोर्स इन्वायरमेंट में तो मौजूद है परंतु हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो रिसोर्स है, क्या बताइए, तब क्या वह रिसोर्स होगा, घूम गया ना दिमाग, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उस समय वो रिसोर्स की कैटेगरी में कैसे आ सकता है जब हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इसीलिए आपके ही इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में आगे बोला है कि इसको क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, ये हमारे कीवर्ड हो जाएंगे आपके इस डेफिनेशन के, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आपका रिसोर्स इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तब उसे हम क्या कहेंगे, टर्म्ड एज रिसोर्स, उस कंडीशन में जाकर के हम कहेंगे कि यह हमारा क्या है, रिसोर्स है। आई बात समझ में, तो अब इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आ ही गई होगी कि क्या है, कि केवल और केवल वह सारी वस्तुएं जो, ठीक, इन्वायरमेंट में मौजूद वो सारी वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उन सभी को हम रिसोर्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें उपस्थित ही नहीं है तो क्या वो रिसोर्स है, तो रिसोर्स लेकिन हमारे पास हम उनको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए रिसोर्स होंगे। तो इसीलिए इस पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या आया है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल टर्म आया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं पहले, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जिन्हें आज तक हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। हमें पता है वो मिनरल्स हैं लेकिन हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। जब हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उस रिसोर्स को जब हम निकाल ही नहीं पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जो भी रिसोर्स हमें, ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी वह रिसोर्स की कैटेगरी में आएंगे जिनको एब्स्ट्रैक्ट करने की, जिनको बाहर निकालने की हमारे पास क्या हो, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो। इसी के लिए इसको क्या बोला गया, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, कि आपका रिसोर्स जिसे हम जिसको निकालने का एब्स्ट्रैक्ट करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी वो हमारे किसकी कैटेगरी में आएगा, रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। फिर क्या बोल रहा है, इकोनॉमिकली फिजिबल, आपका जो रिसोर्स है वह इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब है,
इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर आप किसी मिनरल को ठीक है एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उससे आपको एक कह सकते हो प्रॉफिट मिले, ठीक है एक प्रॉफिट मिले, और आप मतलब जितना पैसा आप लगा रहे हो कि उसकी वैल्यू का तो आपको वो पर्टिकुलर मिनरल मिलना चाहिए उतनी वैल्यू का। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए लगा करके, ठीक है 1000 करोड़ रुपए लगा करके माइनिंग कराई, जहाँ से आपको सोना मिला, ठीक है 1000 करोड़ रुपए लगा करके आपने माइनिंग कराई, जहाँ से आपको क्या मिला, सोना मिला, पर उस सोने की जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ थी, ठीक है उस सोने की जो वैल्यू थी वह कितनी थी, 1 करोड़ थी। तो क्या वो आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल था? आपने पैसा ज़्यादा लगा दिया लेकिन इन रिटर्न आपको क्या मिला, बहुत ही कम अमाउंट में मिनरल्स मिले, तो यहाँ पे आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होगा क्या वो चीज़? बिल्कुल नहीं। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए रिसोर्स की, यानी कि अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट करने में बाहर निकालने में पैसा खर्च कर रहे हैं तो उतनी वैल्यू का तो वह निकलना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास कि हम उस रिसोर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर सकें, और दूसरी चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए कि हम क्या कर सकें, अपने रिसोर्स पे जितना मैंने पैसा लगाया है उतनी वैल्यू का हमें वो रिसोर्स मिल जाए, उतना मिनरल्स हमें मिल जाए। एंड लास्ट हमारा कीवर्ड क्या आता है बच्चों, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर जिनको एक्सेप्ट करेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिसोर्स हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे गोल्ड की बात करें, जैसे आप किसकी बात करोगे, गोल्ड की बात करोगे, तो गोल्ड हमारे लिए क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को हमारे कल्चर ने क्या किया है, एक्सेप्ट करके रखा है। ऑलरेडी गोल्ड की वैल्यू तो इकोनॉमिकली है ही, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे कल्चर में गोल्ड को भी एक अलग वैल्यू दी गई है, ठीक है। गोल्ड को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग धनतेरस में शुभ मानते हैं, ठीक है धनतेरस में शुभ मानते हैं गोल्ड खरीदना, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है ना, लोग कल्चरली इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई सोना है, शुद्ध है, ठीक है भगवान को प्रिय है, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, तो ये क्या है हमारे लिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो वह रिसोर्स जिनको अप्रोप्रिएट जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तभी हम कहेंगे कि वह जो पर्टिकुलर रिसोर्स है वह हमारा रिसोर्स है, ठीक है। टर्म्ड एज रिसोर्स, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, तभी हम इसको कहेंगे कि यह क्या है, रिसोर्स है। आई होप बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या है एक बार देखते हैं, क्या है हमारे, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग चैप्टर को कनेक्ट कर रहे थे, और हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ रहे थे कि हमारा रिसोर्स क्या होगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा रिसोर्स होता क्या है, तो उसमें हम लोगों ने रिसोर्स की डेफिनेशन को पढ़ा है। क्या है रिसोर्स की डेफिनेशन, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल वह सारी चीज़ें जिनको हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, और इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, और वह जो रिसोर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हों, यानी हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करने की, वह इकोनॉमिकली फिजिबल भी हों कि हम उन्हें पैसा लगा के निकाल लें तो उतनी वैल्यू का वो इन रिटर्न निकले भी, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और हमारे कल्चर के थ्रू वह क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे टर्म्ड एज रिसोर्स की यह एक रिसोर्स है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो रिसोर्स तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर के। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इसको समझते हैं क्या लिखा है, कि इंटरडिपेंड रिलेशन बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। क्या होता है कि जो नेचर होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, यह तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ये सभी की सभी क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कैसे इंटरडिपेंडेंट होती है और कैसे इनके इंटरडिपेंडेंस से ही डेवलपमेंट होता है, यह सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये आपका जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है,
ठीक है, या आप जो क्लास टेंथ में जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो, यहाँ यह सब सबका जो आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो जहाँ पे आप देखोगे कि जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ लिखी गई है नेचर, फिर लिखा गया टेक्नोलॉजी, फिर एंड में है हमारा इंस्टीट्यूट। समझते हैं, आपको पता है कि सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, नेचर में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, फिजिकल नेचर में मिलेंगी, फिजिकल एनवायरनमेंट में मिलेंगी। हमें सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी प्यारे बच्चों, फिजिकल एनवायरनमेंट में मिलेंगी, यानी नेचर में मिलेंगी। अब उस नेचर में अवेलेबल सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करना हमें करने के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नेचर से हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, नेचर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उनको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब बताइए, यह जो टेक्नोलॉजी है यह हवा में उड़ करके चली जाएगी एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, नहीं चली जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को ले जाने वाला कौन होगा, हमारा ह्यूमन बीइंग। कौन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। कि जब ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी के साथ, जब ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी के साथ नेचर के साथ इंटरैक्शन करता है, कि जब ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ नेचर से इंटरैक्शन करता है, तो वो क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस को जन्म देता है। क्या करता है, तब वो इंस्टीट्यूशंस को जन्म देता है। और जब इंस्टीट्यूशंस का जन्म होगा तो ये कैसी एक्टिविटी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, और जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वैसे ही हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, हम इकोनॉमिकली एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे देश में, ठीक है, देश के टैक्सेस जैसी चीज़ों से, तो हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्या है, फिर से देखिए कि नेचर से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, उन सारी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो अब टेक्नोलॉजी अपने से तो कहीं जाने से रही, तो ह्यूमन बीइंग जो होगा वो ह्यूमन बीइंग इन टेक्नोलॉजी के साथ नेचर से इंट्रैक्शन करेगा, और जैसे ही ह्यूमन बीइंग इन नेचर के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, इंस्टीट्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, इंस्टीट्यूशन। भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मिनरल्स निकाले, रिसोर्सेज निकाल, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज और मिनरल्स को उसने निकाला, और जब उन्होंने रिसोर्सेज और मिनरल्स को निकाला तो वो क्या करेंगे, उसको लेकर के बैठेंगे तो है नहीं, उनका क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसका यूज़ करेंगे, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो गुड्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, यही बात यहाँ पे बताइए। और जैसे ही इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी के साथ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करके, जैसे ही इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे ह्यूमन बीइंग, वैसे ही कैसी एक्टिविटी होने लगेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगेगी। और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई वैसे ही हमारा डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो आपको पता चला कि कैसे रिसोर्स से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक, कैसे रिसोर्स से ही क्या पॉसिबल है, आपका डेवलपमेंट। अगर रिसोर्स होगा तो ही क्या पॉसिबल है, डेवलपमेंट पॉसिबल है। आई बात समझ बच्चों, तो यही एक बेसिक थीम है आपके इस ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्स और डेवलपमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कि अगर रिसोर्स होगा तो ही आपका डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, और रिसोर्सेस का डेवलपमेंट होगा तो आपका डेवलपमेंट पॉसिबल है, ये भी बात बताई गई है। अभी हम लोग इसको आगे चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे था, हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया है। आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। एंड में समराइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, हमने जो चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपके लिए लेकर के आया था,
आई होप आपको यह सारी बातें जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आपको आई होंगी। तो समराइज करते हैं फटाफट, क्या पढ़ा हम लोगों ने। पहले तो रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि हम रिसोर्स उन्हीं को कहते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल वो सारी चीज़ें जिनका यूज़ हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी उसे हम रिसोर्स के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, यह चीज़ हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इंस्टीट्यूट। फिर हमने देखा कि नेचर है तो नेचर में बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन मिनरल्स उन रिसोर्सेस को निकालने के लिए एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। और ये जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है ये हवा में जा करके तो एब्स्ट्रैक्ट करने नहीं भाई, टेक्नोलॉजी है। अब उस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग माइनिंग वगैरह में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं हमारे पास, उन मशीनरीज का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, माइनिंग में कर रहे हैं। ठीक, तो काफ़ी ईजिली हो रहा है अब, लेकिन ये जो माइनिंग है या जो टेक्नोलॉजी है ये हवा में तोड़ के जो जाएगी नहीं, तो ह्यूमन बींग क्या करता है, इस टेक्नोलॉजी के साथ नेचर से इंटरैक्ट करता है। जब ये ह्यूमन बींग टेक्नोलॉजी के साथ नेचर से इंटरैक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक इंस्टीट्यूशंस बनाता है। और जैसे ही इंस्टीट्यूशंस बनते हैं वैसे ही क्या शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है वैसे ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक, तो आई होप बच्चों यह जो बात मुझे समझानी थी आपको वह आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यह जो वीडियो थी बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर की थीम समझा दी है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ेंगे कि किन किन तरीकों से हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों यह जो थीम थी इस चैप्टर से मैं जो आपको कनेक्ट कराना चाहता था वह आप कनेक्ट हो पाए होंगे और चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।